शुभ दिन है क्योंकि आज तेलंगाना के सीएम, तेलंगाना आवाम की दिल की धड़कन और केसीआर साहब की जेर सदारत में 2001 में टीआरएस पार्टी जैसा शुरू की थी, जैसा तेलंगाना को हासिल किया और तेलंगाना को हासिल करने के बाद तेलंगाना में टीआरएस पार्टी हुकूमत की थी, इसी तरह से आज तेलंगाना की टीआरएस पार्टी को आज हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में हर जगह हिंदुस्तान का हर एक इंसान, हिंदुस्तान का हर हवा, हिंदुस्तान के हर रियासत में देख रहे हैं। जैसा आज पूरे स्टेटों में एक एग्जाम्पल सर का एक उन्नत एक बेहतरीन मुकाम पे जो रियासत तेलंगाना पहुंचा है केसीआर साहब की सदारत में, उसी तरह से हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का मुकाम भी पूरी दुनिया में रहने के लिए केसीआर साहब की जेर सदारत में एक सियासी जमात आना कहकर आज बेहतरीन तरीके से केसीआर साहब की जेर सदारत में तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के स्टेट कमेटी मेंबर पूरे मिलकर आज वहां पर मेंबर्स ने पूरे पार्टी के स्टेट मेंबर्स पूरे मिलकर आज टीआरएस पार्टी को केसीआर साहब की जेर सदारत में टीआरएस पार्टी अनाउंस किया गया। आज क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में अब तक पूरे हिंदुस्तान में देखा गया तो एक प्रकार बरसी माहौल है, हिंदुस्तान में पूरा आज SC BC माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी की जा रही है और हिंदुस्तान में बिलखसूस किसान के साथ नाइंसाफी की जा रही है। एक पूरे हिंदुस्तान में एक डिक्टेटरशिप चल रही है, नरेंद्र मोदी जैसे डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना चाहिए, तो केसीआर साहब सर के सेकुलर कायद को हिंदुस्तान की सियासत संभालना कहकर आज तेलंगाना में तेलंगाना भवन में आज टीआरएस पार्टी को BRS बनाकर पूरे हिंदुस्तान में आज गुलाबी झंडा लेकर निकल रहे केसीआर साहब। आने वाले दिनों में दिल्ली के लाल किले पर भी गुलाबी झंडा इंशाल्लाह लहराएगा। आने वाले दिनों में जिस तरह 14 साल जिद्दोजहद करके केसीआर साहब ने तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना हासिल करने के बाद टीआरएस पार्टी को तेलंगाना हुकूमत कैसे आई, आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान में हर रियासत में तेलंगाना पार्टी BRS पार्टी का गुलाबी झंडा लहराएगा और आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान की तारीख में SC BC माइनॉरिटियों को लेकर एक बेहतरीन क़यादत केसीआर साहब क़यादत में हिंदुस्तान में लाल किले पर गुलाबी झंडा लहराएगा। क्योंकि आज हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, क्योंकि आज 28 स्टेट के रियासत के आवाम कह रहे केसीआर साहब की सदारत में जैसा तेलंगाना बेहतरीन तरीके से हुआ है, आने वाले दिनों में भी ऐसी क़यादत केसीआर साहब क़यादत हिंदुस्तान को जरूरत है कहकर आज हिंदुस्तान की आवाम पूछ रही है। UP, महाराष्ट्र, गुजरात।